देखो भाई जी, हमारे पास है MI नोट 7, जिसमें कि रिस्टार्ट यानी रिबूट होने की प्रॉब्लम दिख रही है। जैसे कि ब्राइटनेस तेज करने के साथ ही फ़ोन ऑफ हो गया। अभी ये फ़ोन हमारा रिबूट होता रहा यानी रिस्टार्ट होता रहा। कस्टमर की शिकायत ये है कि इसकी बैटरी चेंज कर दो, कि बैटरी से प्रॉब्लम है, यानी बैटरी ख़राब है। क्योंकि बतलाव ने कि मैं इसका पत्ता भी चेंज करा चुका हूँ, और पत्ता चेंज कराने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई है उसकी। चलिए देखते हैं कि चार्जिंग प्लग का ऑन होता है कि नहीं होता है फ़ोन हमारा। चार्जिंग प्लग का ऑन करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा फ़ोन ऑन होने वाला है, ऑन हो चुका है। अब अगर हम चार्जिंग पर लगा के इसकी ब्राइटनेस भी बढ़ाते हैं, किसी भी चीज़ को डिस्टर्ब करते हैं, किसी ऐप को ओपन करते हैं, तो फ़ोन हमारा ऑफ़ नहीं होगा। बट जैसे ही चार्जर निकाल लेंगे और किसी चीज़ को ओपन करते हैं, जैसे कि अभी इसका डेटा खोलने की कोशिश करते हैं, जैसे ही डेटा पर उंगली रखेंगे डेटा ऑन होगा, और ऑन होने के बाद स्लाइड ऊपर करेंगे फ़ोन ऑफ हो जाएगा। जस्ट हमारा मोबाइल ऑफ हो चुका है। चलिए फिर देर ना करते हुए इसे खोलते हैं मशीन से रख के SMD से, क्योंकि इसके पीछे बैक ग्लास दिया हुआ था है। बैक ग्लास उतारने के साथ देखते हैं एग्जैक्ट दिक्कत है तो है कहाँ से, कि बैटरी रियल में ख़राब है इसकी या वैसे ही कोई दिक्कत है फ़ोन के अंदर पत्ते पत्ते से। चलिए फ़ोन हमारा काफ़ी हीट हो चुका है, बैक ग्लास उतारने की कोशिश करते हैं। जो कस्टमर ने ये फ़ोन खुलवा रखा है इसीलिए आसानी से ओपन हो जा रहा है। ग्लास इसका हट चुका है, ये देखिए इसके अंदर टेप डबल टेप वगैरह लगा रखा है किसी ने, संपूर्ण यानी पूरी जुगाड़बाजी कर रखी है इसके अंदर। चलिए कोई नहीं, देखते हैं। देखिए सारे में टेप टेप लगा रखा है इसके अंदर। स्लाइड सारे पत्ते हटाते हैं इसके, बैटरी निकालते हैं इसकी। चलिए बैटरी निकल चुकी है। बाकी ये देखो इसका पत्ता तो चेंज कर रखा है किसी ने, यानी कस्टमर का कहना ठीक है कि मैं इसका पत्ता चेंज करा चुका हूँ, फिर आप अब बैटरी चेंज कर दीजिए। लेकिन बैटरी चेंज ना करके एक बहुत ही सिंपल सी आसान सी ट्रिक बतलाएंगे। देखो देखने में बैटरी हेल्थ ठीक लग रही है, ये भी देखते हैं कि बैटरी के अंदर पावर है कि नहीं है। बैटरी हमारी सही ना आई तो कहीं से डैमेज है ना ही खुली हुई है, बैटरी प्रॉपर ठीक लग रही है। इसके अंदर गाइस जो ख़राब है वो ये जो PLK जिस पे लिखा हुआ है, ये क्या करता है, ये जो बैटरी का B- वाला पॉइंट होता है, ये पत्ते में वो सप्लाई यानी करंट ट्रांसफ़र करता है यहाँ से कन्वर्ट करके। बैटरी की हेल्थ चेक करते हैं, बैटरी देखते हैं कि बैटरी के अंदर पावर है कि नहीं। तो बैटरी हमारी काफ़ी ठीक है और अच्छा करंट निकाल रही है, यानी बैटरी अच्छी चार्ज है, उसके बावजूद भी फ़ोन ऑफ हो जा रहा है। चलिए इसे जो है शॉर्ट करते हैं आपस में। और इसके साथ साथ मैं आपको एक ट्रिक और बता दूं, अगर हमारा पत्ता ख़राब है तो पहचान कैसे होगी कि हमारा पत्ता वाकई में एग्जैक्ट ख़राब है, इसलिए हमें चिमटी लेना है। चिमटी से जो बैटरी का B- और P-
और पी प्लस जो होता है उसे आपस में शॉर्ट करना होता है। स्पार्किंग अगर हमारी बैटरी दे रही है अच्छी तरीके से तो समझ लेना कि हमारी बैटरी पत्ता ठीक है, और हमारी अगर बैटरी स्पार्किंग नहीं दे रही है तो समझ लेना बैटरी का जो पत्ता है हमारा, पत्ता में पत्ते के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है, मिस्टेक, यानी प्रॉपर करंट नहीं निकल पा रहा है। चलिए मैं आपको फिर एक बार पत्ता चेक कराता हूँ इसे शॉर्ट करने के बाद कि हमारी बैटरी जो है पावर निकालने यानी करंट निकालने लगी कि नहीं निकालने लगी। और ये आप देख पा रहे होंगे कि बैटरी हमारी करंट, देखो प्रॉपर करंट निकालने लगी, यानी जो समस्या थी वो सॉल्व हो चुकी है। तो इसलिए गाइस बैटरी चेंज ना करके एक बार ये ट्रिक ज़रूर करके देखें। अगर आपकी बैटरी हेल्थ ठीक है, बैटरी आपको सही लगती है कि हमारे फ़ोन की बैटरी जो ठीक है, तो एक बार ये फार्मूला ज़रूर आजमा कर देखें कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है। और अगर भाई लोगों वीडियो आपको अच्छी लगती है और आपके समझ आती है तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मैं आपको बैटरी फिट करके और फ़ोन जो है ऑन करके दिखलाता हूँ इसी बैटरी से, ना ही तो फ़ोन बार बार रिबूट होगा ना ही रिस्टार्ट की कंडीशन में आएगा फ़ोन, और एक बार में ही जैसे कि हम ऑन करते हैं प्रॉपर फ़ोन को वैसे ही फ़ोन हमारा ऑन होगा और ये समस्या हमारी बैटरी की जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और ये बैटरी जो हम मार्केट की लोकल बैटरी डालेंगे उससे 10 गुना ज़्यादा चलेगी, यानी जैसा हमारा प्रॉपर रिजल्ट आना था ओरिजिनल बैटरी का सेम वही रिजल्ट आएगा, और बैटरी बैकअप भी अच्छा हो जाएगा फ़ोन का। और ये जब डाउन होगी तो आप 1% पर आके ही ऑफ होगा फ़ोन, अन्यथा फ़ोन ऑफ नहीं होगा आपका 0-1% पे। देखिए हमारा फ़ोन प्रॉपर ऑन होने लगा और शायद ये कंप्लीट ऑन हो चुका है। और अब आपकी मैं इसकी अभी देखो दोबारा ब्राइटनेस अप डाउन करके दिखा लाता हूँ और किसी भी चीज़ को छेड़ के दिखलाता हूँ कि हमारा फ़ोन ऑफ होता है कि नहीं होता है। पहले तो सिर्फ क्लिक करने के साथ ही फ़ोन ऑफ हो जा रहा था, अब नेट खोलो बंद करो कुछ भी करो एक्स वाई जेड, यानी जो प्रॉब्लम थी एग्जैक्ट वहीं से थी, बढ़ाओ ब्राइटनेस कम करो लेकिन अब फ़ोन ऑफ नहीं होगा। इसलिए भाई लोगों बैटरी चेंज ना करके एक बार ये ट्रिक जरूर करके देखें। दुकान पर फ़ोन कंप्लीट हो चुका है।